हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बकला की सब्जी। ये बकला है, ये हमारे बिहार में मिलता है, इधर बेंगलोर में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इसलिए यूनिक है यहाँ के लिए। तो हम इसकी सब्जी बनाएंगे। इसको छीलने का तरीका है यही है, दोनों साइड से ऐसे निकाल देंगे। बस इसको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ये सीड्स होता है, ये सीड्स सूख जाता है तो दाल भी बन जाता है इसका। इसको ऐसे सूख जाता है बढ़िया से तो ये दो टुकड़ा हो जाता है, जैसे कि तूर दाल, चना दाल ये सब होता है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसका हम दाल नहीं बनेंगे, इसका सब्जी बनेगा। तो इसको बस एक बार मैं और दिखाती हूँ। इसको बस यहाँ से पकड़ के ऐसे कर देंगे और फिर उल्टे साइड से भी ऐसे। ऐसे सबको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसे तीन चार टाइप का सब्जी बना सकते हैं। हालाँकि हमने दो तीन टाइप का बना के खा लिया है, इतना ही बचा हुआ है। आज हम जो सब्जी बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी और चटकदार होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में बैठा दिया है सब्जी बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, एक तेज़पत्ता है, इसको मैंने दो टुकड़े में कर लिया है। अब मैं डालूँगी थोड़े से जीरे। अब इसमें जाएगा ऑयल, ये हम मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे हींग और थोड़े से मैं डाल देती हूँ सॉल्ट। सॉल्ट पहले डालने से कढ़ाई में ऑयल मसाला ये सब नहीं चिपकता है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। इसमें मैंने दो ग्रीन चिली भी कट करके डाला है। अब मैं इसे चलाऊंगी, इसको हल्का पिंक होने तक हम थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए प्याज थोड़ा पिंक हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट ताकि प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, ये 7 से 8 गार्लिक की कलियां है, इसको मैंने कूट लिया है। अब मैं इसमें टोमेटो डाल के 2 मिनट्स के लिए ढक दूंगी। दो मिनट हो गए हैं। देखिए ऑनियन में सॉल्ट डालने से ऑनियन में कितना पानी जैसा छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, थोड़े से हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1.5 स्पून जीरा, काली मिर्च, धनिया का पाउडर। अब हम इसमें पानी डाल करके अच्छे से भूनेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि इसकी सब्जी 3-4 तरह की बनती है, तो पहला तरीका जो हमने बनाया था उसमें हमने ब्रिंजल डाल करके बनाया था, और दूसरा तरीका जो मैंने बनाया था वो केवल बकला और आलू कट के डाला था मैंने। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, मसाले से ऑयल रिलीज होने लगे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बकला, मैंने एक मोटे पीसेस में आलू काटे हैं, इसको भी डाल देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए बकला और आलू मसाला में अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी और इसको ढक करके सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट्स के लिए ढक देंगे, 2 मिनट्स के बाद इसको ओपन करके चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए बकला में से बीज अलग निकलने लगा है। अब मैं इसे बीज को चेक करूंगी पका है कि नहीं। तो देखिए बकला को मैं बीज को हाथ से मसल के देखूंगी कि पका है कि नहीं। तो अभी अच्छे से नहीं पका है, फटने को फट गया बट अभी टाइट है। तो इसे मैं 2 मिनट्स के लिए और ढक दूंगी। बकला जो सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला था। अगर आप बिहार के आसपास हैं तो मैं कहूँगी कि आप भी मंगाइए और इसे बनाकर देखिए कि आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। देखिए सब्जी पक चुका है, इसे हम राइस के साथ खाने के लिए बनाए हैं। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन ये राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिहारी बकला का सब्जी बन के तैयार है। ये बहुत ही यम्मी चटकेदार होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।